भारतीय खराने के लड़कों की स्थिति उस समय हार्ट अटैक जैसे हो जाती है जब उनके घर वाले बोलते हैं, रात को नींद में क्या बोल रहा था। झगड़े के समय पत्नी जब अकला बैठ रही थी तब आप कहा थे, पति मुस्कुराते हुए आपके साथ फेरे चो ले रहा था, पत्नी बेहोश। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है बीवी से पैसे छुपा के रखना, और दुनिया का सबसे आसान काम है बीवी से अपने परिवार का गौरवशाली इतिहास जानना। विदेशों में बेडरूम, किचन, गेस्ट रूम, स्टोर रूम, रेस्ट रूम, भारत में टीवी वाला कमरा, बड़ा वाला कमरा, छोटा वाला कमरा, पापा वाला कमरा। एक शादीशुदा आदमी रेस्टोरेंट में गया और बैठते ही वापस बाहर आ गया क्योंकि मैनेजर बोल रहा था, सर यहाँ आपको घर जैसा माहौल मिलेगा, अब खाना खा के रेस्टोरेंट में भी कौन बर्तन धोए। भगवान का दिया सब कुछ है पर किधर है ये ही हमें पता नहीं चल रहा। पिता बोले, बेटे तुम इतने महान बनो कि तुम्हारा नाम दुनिया के चारों कोनों में फैले। पप्पू, पापा महान तो बन जाऊंगा पर एक समस्या है। पिता, वह क्या? पप्पू, दुनिया गोल है, उसके चार कोने हो ही नहीं सकते, फिर नाम कैसे चारों कोनों में फैलेगा। आज के जमाने के बच्चे 10 प्रकार की आइसक्रीम खाने पर भी चुप नहीं होते, और एक हमारा बचपन था जो आइसक्रीम का ढक्कन चाटते ही मन भर जाता था, जबकि पिक्चर पूरी बाकी रहती थी। नाक, नयन, नाखून सब कुछ ठीक है तेरा, पर तेरी कैची जैसी जुबान का अफसोस है मुझे एक पति की कलम से। स्टूडेंट के फनी मोमेंट्स एग्जाम के दौरान, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, रिजल्ट में ये क्या हो गया। किसी ने हॉस्पिटल के बड़े डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर साहब वार्ड नंबर 105 में भर्ती चंपकलाल अब कैसा है। डॉक्टर बोला, अब ठीक है, उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, शुगर भी ठीक है, अब खाना भी खा रहा है, 2-3 दिन में उसकी छुट्टी हो जाएंगी, आप क्या चंपकलाल जी के रिश्तेदार हो। फोन वाला, अरे मैं खुद चंपकलाल हूँ, यहाँ कोई कुछ बताता ही नहीं है कि मैं कैसा हूँ और घर कब जाऊंगा, डॉक्टर बेहोश। बेचारे मरद जन्म लेते हैं तो बधाइयाँ माँ को मिलती है, शादी होती है तो तारीफ और गिफ्ट दुल्हन को मिलते हैं, और जब धरती से चले जाते हैं तो बीमा की रकम भी बीवी ले जाती है। हद तो तब हो गई जब एक आदमी ने 100 से भी ज्यादा बार रक्तदान करके रिकॉर्ड बनाया, मगर ब्लड बैंक वालों ने यह बोलते हुए उसके धर्म पत्नी को पुरस्कार दिया, धन्यवाद मैडम जी, आपने नहीं पिया तभी तो हमने लिया, हद है। एक सच बात, एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन लड़की ने पूछा, क्या तुम मेरे लिए ये दुनिया छोड़ सकते हो, तो लड़के ने कहा, तुम्हारे लिए तो मैं ये दुनिया छोड़ दूँ, पर उसे कैसे छोड़ूं जो रोज दरवाजे पे खड़ी होके मुझसे कहती है कि बेटा जल्दी घर वापस आना। दोस्तों, इसी प्रकार के शुद्ध पारिवारिक चुटकुले देखने के लिए वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है